खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नशीब है। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी धमाके में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे आईटीबीपी के जवान देवपरिया के राजेंद्र सिंह ग्राम कोटी शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है। उनके शहीद होने की खबर मिलने के बाद से परिवार और गांव के लोग शोक में हैं। छत्तीसगढ़ आईडी धमाके में उत्तराखंड के राजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान घायल है। इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दरअसल नक्सलियों ने नारायणपुर जिले के सोनपुर इलाके के डोगरी बैंडी में आईडी लगाया हुआ था। यह सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकली आईटीबीपी की 53वीं बटालियन के जवान रूटीन गश्त कर रहे थे। इस दौरान पहले से प्लांट किए गए आईडी को नक्सलियों ने ब्लास्ट करा दिया। धमाके की चपेट में आने से एएसआई राजेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं हेड कांस्टेबल महेश बुरी तरह से जख्मी है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसपी सदानंद कुमार और नक्सल ऑपरेशन एसपी अक्षय ने कहा कि नक्सलियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है, साथ ही इलाके में और अन्य आईडी होने की आकांक्षा है, इसके चलते तलाशी अभियान चल रहा है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी राजेंद्र सिंह की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। उन वीर बलिदानियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।